गाइस आपने छोटे मोटे कीड़ों को तो अपने आसपास घूमते हुए जरूर देखा ही होगा, और इन छोटे कीड़ों को देखने के बाद आपको लगता होगा कि भाई ये कीड़े हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये सोच आपकी बिल्कुल ही गलत है। दुनिया भर में एक्सीडेंट से जितने ज्यादा लोग नहीं मरते, उससे कई गुना ज्यादा लोग इन कीड़े मकोड़ों के काटने से मर जाते हैं। ये देखने में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनका दिया हुआ घाव इतना ज्यादा गंभीर होता है कि पल भर में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। कई बार तो इन कीड़ों के डंक मारने से तुरंत पता भी नहीं चलता, लेकिन जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक इन कीड़ों का जहर अपना असर दिखा चुका होता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में बताऊंगा जो कि चलती फिरती मौत है। तो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 डेंजरस बग्स इन द वर्ल्ड, जिसके नंबर 10 पर है जायंट वाटर बग्स। गाइस यह छोटा सा दिखने वाला जीव इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यह एक छोटी सी मछली से लेकर एक सांप तक को मौत के घाट उतार सकता है। पानी में रहने वाले इस जीव के सामने चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, यह उस पर लपक के हमला करता है। वैसे तो यह छोटा सा दिखने वाला जीव एक कॉकरोच की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसे कॉकरोच समझने की भूल कभी मत कर देना, क्योंकि यह कॉकरोच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस बग के काटने पर काफी तेज दर्द का अनुभव होता है, और इसके काटने से एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। वहीं अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो ये अपने अंडों को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं, क्योंकि ये अपने अंडों को अपने पीठ पर ही लेके घूमते हैं, जो कि ये बग इस तरह से रियल में देखने पर बहुत ही ज्यादा घिनौना लगता है। नंबर 9 पर है मॉस्किटोज। दुनिया में सबसे आम जीवों में से एक मच्छर को तो हर कोई जानता ही होगा, जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं। इन मच्छरों के बारे में हम आपको जो भी खतरनाक चीजें बताएंगे, उन चीजों पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये इंसेक्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक भी होते होंगे। मच्छर कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे डेंगू, मलेरिया और भी कई तरह के फीवर्स होते हैं जो कि मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। इसके अलावा कभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि भाई मच्छर आपको रात के अंधेरे में कैसे ढूंढ लेता है? दरअसल हमारे सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो लगभग 70 फीट की दूरी से भी मच्छर को इसका पता चल जाता है, और उसके बाद यह आपके पास आकर आपका खून चूसने लगता है। मच्छर कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत मच्छरों द्वारा फैलाई गई बीमारियों से होती है। पूरी दुनिया भर में लगभग हर 30 सेकंड में एक बच्चे की मौत मच्छर के काटने से हो जाती है। नंबर 8 पर है किलर बीज। इसके किलर बीज नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये मधुमक्खी कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। वैसे तो यह मधुमक्खी बिल्कुल ही एक हनी बी की तरह दिखाई देती है, लेकिन जो चीजें इन्हें उनसे बिल्कुल ही अलग बनाती है, या यूँ कहे कि जो चीजें इन्हें उनसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, वो है इन मधुमक्खियों का स्वभाव, क्योंकि यह मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव की होती है, जो कि किसी भी जीव के सामने आने पर भी उस पर टूट पड़ती है। और इस मधुमक्खी के डंक में एक खास तरह का जहर पाया जाता है, जो कि किसी भी इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी है, और इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है इनका झुंड, क्योंकि ये मधुमक्खियाँ किसी पर अकेले हमला नहीं करती, बल्कि पूरा झुंड बनाकर हमला करती है। और किलर बीज के एक झुंड में लगभग 80,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियाँ शामिल होती है, जो कि इन्हें अगर एक बार किसी जानवर या इंसान पर गुस्सा आ जाए, तो फिर तो ये उन्हें पीछा कर करके मारती है। नंबर 7 पर है बॉट फ्लाइज। तो गाइज अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बॉट फ्लाइज मधुमक्खी के बारे में। ये नॉर्मल मधुमक्खियों से बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जब यह मधुमक्खी किसी इंसान या जानवर को काटती है, तो यह उसके अंदर अपना लार्वा छोड़ देती है। यह लार्वा पैरासाइट की तरह इंसानों की स्किन के नीचे ही रहता है, और धीरे धीरे स्किन के आसपास तरह तरह की प्रॉब्लम्स बनाने लगता है। और इसके अलावा इस मधुमक्खी की एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे घिनौनी बात यह है कि ये मधुमक्खी अपना डंक मारते समय किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के अंदर अपने अंडे भी छोड़ देती है, और इस मधुमक्खी के बच्चे इंसान के शरीर में ही बड़े होने लगते हैं। गाइस अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना घिनौना लग रहा होगा, तो फिर आप अब इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये मधुमक्खी कितनी ज्यादा खतरनाक होती होगी। इस मधुमक्खी से बच के रहना, वरना आप भी इसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। नंबर 6 पर है डेड से फ्लाइज। अफ्रीका में यह मक्खी जो बीमारी फैलाती है, उसे स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। अगर इस बीमारी का समय से इलाज न कराया जाए, तो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। और इसके अलावा इस बीमारी का इलाज भी काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब यह मधुमक्खी किसी को काटती है, तो यह उसके अंदर जानलेवा पैरासाइट्स को छोड़ देती है, जिसकी वजह से इंसान का अपना सेंस ऑफ कंट्रोल खो जाता है, और उसे नींद न आने की समस्या भी पैदा होने लगती है, और इसके बाद उस इंसान को काफी दर्दनाक मौत मिलती है। यह बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके चलते अफ्रीका में ही हर साल 500,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, मतलब कि अफ्रीका में 5,00,000 लोगों की मौत हर साल इसी बीमारी के चलते हो जाती है। नंबर 5 पर है ब्राउन ग्रेस क्यूज स्पाइडर।
स्पाइडर। वैसे तो माना जाता है कि भारतीय मकड़ियाँ ज्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, क्योंकि ज्यादातर भारतीय मकड़ियों की प्रजातियाँ जहरीली नहीं होती हैं, लेकिन उन्हीं मकड़ियों में से कुछ प्रजातियाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। उन्हीं मकड़ियों में से एक ब्राउन रेस्क्यूज स्पाइडर है। यह मकड़ी 1 रुपए के सिक्के जितनी बड़ी होती है, लेकिन इसका चेहरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस मकड़ी के मुँह में एलोटेन नाम का जहर पाया जाता है, जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और इस मकड़ी के बारे में एक बात कही जाती है की इसका जहर रेटल स्नेक के जहर की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। लेकिन इस मकड़ी की एक सबसे अच्छी बात है कि यह मकड़ी जिसे भी काटती है उसके अंदर एक बार में ज्यादा मात्रा का जहर नहीं छोड़ती है। लेकिन यही मकड़ी अगर किसी इंसान या जानवर को बार बार काट ले तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इस मकड़ी के काटने से इंसान के अंदर कमजोरी आने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और टिश्यू सेल्स बर्बाद होने लगते हैं। नंबर 4 पर है किसिंग बग। इस बग का नाम जितना रोमांटिक है, ये उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। इन्हें किसिंग बग नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह अलग अलग जीवों का खून चूसते हैं। और इसका एक और कारण है कि जब भी यह जीव किसी इंसान के सामने आता है तो यह उसके सिर्फ लिप्स पर ही डंक मारते हैं। ऐसा शायद ये इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर के मुकाबले लिप्स पर डंक मारना और लिप्स से खून चूसना इनके लिए ज्यादा आसान होता है। यह किसिंग बग सिर्फ इंसानों का खून ही नहीं चूसता है, बल्कि यह इंसानों के अंदर पैरासाइट भी ट्रांसफर कर देता है, जिससे इंसानों की बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह मरने के कगार पर आ जाता है। इस जीव के द्वारा मरने से इंसानों की तो गिनती हो जाती है, क्योंकि इस जीव के प्रकोप से मरने वाले जानवरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। नंबर 3 पर है फ्लीज। गाइस, यह एक ऐसा कीड़ा है जो कि जिंदा रहता है सिर्फ खून पीकर। यह देखने में आपको भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन दुनिया भर में प्लेग जैसी बीमारियों को फैलाने वाला यही जीव है, जिसकी वजह से कुछ सालों पहले यूरोप में 25 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी, यानी कि उस समय 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई। यह जीव अपनी पूरी लाइफ एक जानवर के शरीर से दूसरे जानवर के शरीर में ट्रांसफर होकर ही बिताते हैं, और इसी के साथ ही साथ ये कई तरह की बीमारियों का आदान प्रदान भी करते हैं। इसके शिकार में कुत्ते, बिल्ली और कई तरह के पक्षी, और इसी के साथ ही साथ इसमें इंसान भी शामिल है। ऐसे में यह उन जीवों का खून चूसते चूसते उनके ही शरीर में कई हजारों की तादाद में अंडे दे देते हैं, जो कि सिर्फ 1 महीने के टाइम पीरियड में ही कई लाखों में बदल जाते हैं। नंबर 2 पर है जायंट हॉर्न्स। एशिया में पाए जाने वाले यह इंसेक्ट्स दुनिया के सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि हर साल लगभग 40 से भी ज्यादा लोगों की जाने ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वही जहर पाया जाता है जो कि सांपों के अंदर पाया जाता है, जिसे न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर कहा जाता है, जो कि किसी भी जानवर या इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। अगर बात की जाए इसके खाने की, तो इसे अपने से छोटे छोटे इंसेक्ट्स पसंद होते हैं। मधुमक्खियों के घर में घुसते ही यह जीव अचानक से हमला बोल देता है, और इसका आकार भी मधुमक्खियों से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। देखते ही देखते यह जीव हजारों मधुमक्खियों को धूल चटा देता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बुलेट आंट। गाइस, यह चींटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में से एक है, इसीलिए इस चींटी को बुलेट आंट के नाम से बुलाया जाता है। यह एक ऐसी जीव है जिससे कई मीलों दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर गलती से भी इस चींटी ने आपको काट लिया तो भाई आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इस चींटी के अंदर एक खास तरह का जहर पाया जाता है, जो कि किसी भी इंसान के अंदर जाते ही उसे बहुत ही तेज दर्द का अनुभव होता है। वैसे इस चींटी के काटने से किसी भी इंसान की मौत तो नहीं होती, लेकिन इस चींटी का जहर इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इस चींटी का काटा हुआ दर्द आपको एक बंदूक की गोली लगने के बराबर होगा। यही कारण है कि इस चींटी को बुलेट आंट के नाम से जाना जाता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी डेंजरस बग्स में से सबसे ज्यादा डेंजरस बग कौन सा लगा, और आपने इन सभी में से कितने जीवों को अपनी आंखों से देखा है, और क्या आपको इसमें से किसी ने काटा है? अगर काटा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।